स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सीटेट का जुलाई का फॉर्म अप्लीकेशन दोस्तों आ चुका है, इसको किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है सारा डिटेल में इसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सरकारी नौकरी result.com पे आने के बाद लेटेस्ट जॉब के कॉलम के आने के बाद CTET जुलाई 2023 ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसका बताया गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CET जुलाई 2023 नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आ चुका है दोस्तों। 27 अप्रैल से यह ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। यह जो इसकी जो फीस रखी गई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल पेपर के लिए आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा, जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PH कैंडिडेट के लिए ₹500, और अगर आप दोनों पेपर के लिए प्राइमरी या जूनियर दोनों के लिए भरते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ₹1200 पे करना पड़ेगा जनरल OBC EWS के लिए, और ST कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे ₹600 पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको पेमेंट बताया गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको डेट की बात कर लेते हैं। 27/4/2023 से स्टार्ट है, 26/5/2023 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और एग्ज़ाम डेट आपकी जुलाई में होगी और CBT के अकॉर्डिंग होगी, और एडमिट कार्ड जो आप आएगा एग्ज़ाम से पहले आपका आ जाएगा, यह अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर CET प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 तक एलिजिबिलिटी टेस्ट कोड, आपको कोड के लिए अगले एक न्यू वीडियो आपको दे दूंगा जिससे आपको कोड समझ में आ जाएगा। पहले मैं इस फॉर्म को इसमें फिलअप करके बता देता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों हमारा न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर CET जुलाई 2023, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके कर देंगे, ओके करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको पहले अगर आप रजिस्टर पहले कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ कैप्चर फिल के साइन इन पे कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप फर्स्ट यूजर हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर चेक मार करके यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, फिर उसमें मादर नेम लिखना है, डेट यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए तो ये आपको फिल करके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, चलिए मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ दोस्तों। हम यहाँ पर बता दें आपको यहाँ पर मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम तीनों एक ही में लिखना है। जैसे कि मेरा नाम कृष्ण मोहन पाठक है तो मैं पूरा लिखूँगा कृष्ण मोहन पाठक। उसके बाद फादर नेम जो लिखा गया है ब्रिजभूषण पाठक लिखा गया है, मेरा फादर का नाम है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखेंगे जो भी आपका फुल मदर नेम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ चूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर चूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी जेंडर है आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ID कार्ड जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर ID, पासपोर्ट या बैंक पासबुक ये सब आपके पास नहीं है तो एनी अदर वैलिडेट गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर लेना है क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट ID है दोस्तों, और यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करके आगे की तरफ चलिए दोस्तों। अभी मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको विलेज लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ विलेज लिख लेता हूँ, जो भी आपका विलेज है विलेज लिख लेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट लिख लेंगे दोस्तों। हम बात करें यहाँ पे अपनी विलेज लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिख लेंगे जैसा कि यहाँ पोस्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी फेमस आपका स्थान हो आपके एरिया में तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें स्टेट चूज करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट चूज करने के बाद फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है, तो चलिए मैं यहाँ पे पिन कोड इनका फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है, चलिए तो मैं अपना ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। जो भी ईमेल आईडी आप फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक्टिवेटेड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर दोस्तों होना चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे एक एक OTP आएगी, बाद में वेरिफिकेशन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में ईमेल आईडी और OTP आप बहुत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही केयरफुली से फिल करिएगा। तो ये इतना नहीं दोस्तों, आप जो भी डाटा फिल करिए फादर नेम मदर नेम आपका डिटेल वो करेक्टली फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करते हैं तो करेक्शन का
ऑप्शन नहीं आता है ये फर्स्ट स्टेप में, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपको तरीका जैसे बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करिए, 100% आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ईमेल आई डी लिख लेता हूँ, जो भी है ईमेल आई डी यहाँ फिल करने के बाद, दोस्तों चलिए मैं ईमेल आई डी यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार ईमेल आई डी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी जैसे लिखेंगे फिर ईमेल आईडी कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल आईडी आप गलत लिख दें, तो कंफर्म ईमेल आईडी में आपको सही करेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ऐसे में तो मिसमैच होगा तो पता चल जाएगा। तो इसलिए आप जो भी डाटा फिल करें बहुत केयरफुली फिल करिए। चलिए मैं ईमेल आईडी यहां फिल कर लेता हूं, जो भी मेरा ईमेल आईडी है। तो यहां आपको ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहां मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपना ईमेल आईडी डाल लिया। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो भी एक्टिवेटेड हो, और उस पर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आप करंट परमानेंट और टेम्परेरी दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो आपका अगर दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। प्रजेंट एड्रेस अगर और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग हो तो ऐसे सेम लिख सकते हैं, नहीं तो आपका अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे। फिर ऐसे जैसे सेम पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका इसमें बताया गया 1 लीटर बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद लोअर केस होना चाहिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंबल होना चाहिए इस तरीके का। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी आपको पासवर्ड बता रहे हैं आप इसी तरीके का पासवर्ड आपको जनरेट करना है। जैसे ए कैपिटल ए हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल बी हो गया, सी डी एट द रेट 1 2 3 4, इस तरीके का पासवर्ड आप बना सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 या इस तरीके का आपका, क्योंकि टोटल 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा जब भी बनाएगा 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके का पासवर्ड फिल बना लेना है। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना बना लेता हूँ, जो भी आप बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी के साथ आप पासवर्ड बनाइएगा। चलिए मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पासवर्ड फिल करने के बाद, कंफर्म पासवर्ड करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जैसे व्हाट इज फेवरेट वेबसाइट रेली विजिट यहाँ पे, या व्हाट इज अ नेम है फर्स्ट स्कूल में। तो आप जो भी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर शो हो रहा है वो कैप्चर को फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेता हूँ, और जो भी डाटा आपने दिया है आपके द्वारा अगर सही है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक बार अगेन वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि आप अपना नाम मिला लीजिए, फिर उसके बाद आप जो भी डाटा है आपने कैटली मिला दीजिए, और फिर यहाँ पर आपको जो भी आपका आप मिला रहे हैं यहाँ पर चेक मार्क करते जाइएगा। और मिलाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी पे उस ओटीपी को यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पर उस ओटीपी को फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ओटीपी फिल करेंगे सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे मैसेज आ गया, वेरीफिकेशन कोड गिवन इन मोबाइल नंबर थ्रो एसएमएस इज नॉट मैच। जो भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो भी आपने ओटीपी डाला है वो गलत डाला है, तो आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है सही। जैसे ही ओटीपी मैंने सही फिल कर लिया फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बना रखे थे उसको फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जैसे कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड साइन, फिर एग्जामिनेशन डिटेल, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नेशनलिटी क्या है, आपकी नेशनलिटी चूज करेंगे, फिर कैटेगरी आप चूज कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी पर्सनल विद डिसेबिलिटी PWD के अकॉर्डिंग है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर फिर एम्प्लॉय स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय हैं
तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, अगर नॉट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चर को फिल करना है। कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल कर देंगे तो चलिए देखते हैं, कैप्चर फिल कर लेते हैं, यस करेंगे, उसके बाद आपका ये फॉर्म आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पेपर वन या पेपर सेकेंड किस क्लास के लिए, एक से पाँच तक पेपर वन के लिए है, पेपर सेकेंड एक से छः से लेकर आठ तक का है, अगर दोनों के लिए पेपर वन एंड सेकेंड दोनों चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है, किस लैंग्वेज में आप परीक्षा देंगे आपको लैंग्वेज चूज करना है। फिर उसके बाद दूसरे लैंग्वेज को चूज करना है, जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के बाद दोस्तों बता दें, फिर उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एक से पाँच तक का कोड फिल करना है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा कोड किस में फिल किया जाएगा, और यहाँ पे आप बहुत ही केयरफुली से फिल करिएगा दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे कोड के बारे में बता दूँ कि कौन सा कोड किस में कौन सा फिल किया जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, कोड अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे, जिस भी कोड के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी, आपको कोड के बारे में आपको एक न्यू वीडियो बता दूंगा और क्या कोड आपको फिल करना है अपने क्लासेस के लिए अपने चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोड अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे कोड अपना चूज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर चूज करना है, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लिखना है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो फर्स्ट सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कैप्चर फिल करने हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कैप्चर फिल करने के बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको एग्री यस कर देना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खुलने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको डिग्री या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी है। यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल लिखने के लिए आपको यहाँ पे जो डिग्री किए हैं, जो बीएड किए हैं, उनका यहाँ पे डिटेल लिखना है, जैसे कि आपने पास है या पेरिंग है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कब पास किए वो लिख देंगे, किस ईयर में आपने पास किया है। और फिर उसके बाद कोर्स पूछा जा रहा है, तो भी आपने जो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन इट से है तो आप ये चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है ये आपको सेलेक्टेड करना है, जो भी आप 20वीं बोर्ड से आपने पास किया है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चूज हो चुका है। चलिए मैं यहाँ फिल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, आपको यहाँ पर जैसे ही पास लिखेंगे फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पास हैं या फेल हैं, पास हैं या पेरिंग हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पासिंग ईयर लिखेंगे दोस्तों। पासिंग ईयर लिखने के बाद यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोर्ड नेम लिखना है। अगर आपका यहाँ पे बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपके कॉलेज का नाम इसमें शो कर रहा है ठीक है, नहीं तो आप अदर क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट मोड भी, आपको रिजल्ट मोड पे जो भी आप CGPA है या परसेंटेज है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद टोटल मार्क लेंगे, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चर को फिल करके सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेवन नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, फोटो एंड अपलोड साइन का। तो यहाँ पर आप फोटो और साइन अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है फोटो जो अपलोड करेंगे 10 से 200 केबी के बीच रखेंगे, और जो भी JPG फॉर्मेट में, और जो साइन अपलोड करेंगे 4 से 30 KB के बीच में रखेंगे। चलिए मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने फोटो और साइन बना करके अपलोड कर लिया है। 10 से 200 KB के बीच आपका फोटो होगा, और आपका जो 4 से 30 KB के बीच में आपका जो है साइन होगा। उस फोटो और साइन अपलोड करते समय अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अपलोड करके आपको बता दूंगा और उसका एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा और आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अपलोड होगा। चलिए तो यहाँ पर आपको कैप्चर को फिल करना है, तो मैं यहाँ पर अपना कैप्चर फिल कर लेता हूँ। जो भी कैप्चर शो हो रहा है यहाँ पर फिल कर लेंगे, तो कैप्चर मैं फिल कर लेता हूँ। चलिए तो कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे
क्लिक करते हैं, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, जिस भी स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उस सेंटर का पहले स्टेट चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर चूज आप एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज करना है, जिस भी सिटी में आप जो है परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो भी आपका नज़दीकी है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चर को फिल करना है। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर्म फिलअप करते समय और बहुत ही जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये सीट फिल हो जाएगी उसके बाद आपका यह सीट बना जैसे नज़दीकी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे सबमिट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज दोस्तों खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, और आप जो भी अगर डाटा आपका सही है तो इसको चेक मार्क कर दीजिए। चेक मार्क करने के बाद यहाँ आई ग्रीप पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। आपको ईमेल आईडी डाल करके अपने ईमेल आईडी पे एक ओटीपी लेना है, ओटीपी यहाँ सबमिट कर देना है। अभी मेरे मोबाइल में अकाउंट में पैसे नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं कटा रहा हूँ। अगर पेमेंट कटाने करता तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा। ओके थैंक यू दोस्तों, बाय। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ओके थैंक यू दोस्तों, बाय।